दोस्तों साउथ अफ्रीका को उसके घर में हराने के लिए सूर्य कुमार यादव की सेना पहुंच गई अफ्रीका। तो वहीं इन 17 भूखे शेरों को मिली टीम इंडिया में जगह। दोस्तों आप भी चाहते हो भारतीय टीम इस बार साउथ अफ्रीका को उसकी औकात दिखा दे? जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को हराया है टीम इंडिया ने, उस तरीके से साउथ अफ्रीका को भी रौंद करके इस सीरीज को जीते सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया। इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों हाल ही में टीम इंडिया को वर्ल्ड कप के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ। और दोस्तों वर्ल्ड कप के बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में 5 मैचों की T20 सीरीज का आगाज हुआ और 5 मैचों की T20 सीरीज को टीम इंडिया ने 4-1 से जीत लिया सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में। और अब इस तरीके से ही साउथ अफ्रीका को हराने के लिए टीम इंडिया पहुंच गई अफ्रीका दौरे पर। मगर दोस्तों सूर्य कुमार यादव के लिए ये सफर आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि साउथ अफ्रीका को उसके घर में उसकी पिच पर हराना इतना आसान नहीं होता है। दोस्तों इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच में 3 T20 मुकाबले और 3 वनडे मुकाबले, आखिरी में 2 टेस्ट मुकाबले की सीरीज होने वाली है, जिसका पहला T20 मुकाबला इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच में 10 दिसंबर को खेला जाएगा डरबन के मैदान पे। तो वहीं दूसरा T20 मुकाबला 12 दिसंबर को खेला जाएगा शाम को 8:30 बजे से। तो वहीं आखिरी और तीसरा T20 मुकाबला 14 दिसंबर को जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा शाम को 8:00 बजे से। दोस्तों टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान हो चुका है। इन 17 भूखे खूंखार खिलाड़ियों को टीम इंडिया में BCCI ने दिया है मौका। दोस्तों नंबर 1 आपको जायसवाल खेलते हुए नजर आएंगे शुभमन गिल के साथ, और इनका साथ देंगे यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़। दोस्तों इन तीनों में से किन्हीं 2 खिलाड़ियों को मौका मिलेगा ओपनिंग करने का? दोस्तों कोई भी 2 खिलाड़ी हो, तीनों बहुत खतरनाक खिलाड़ी हैं T20 के। उसके बाद दोस्तों तिलक वर्मा को मौका दिया है BCCI ने, और तिलक वर्मा के बाद श्रेयस अय्यर को मौका दिया है। दोस्तों श्रेयस अय्यर ने हाल ही में बहुत कमाल की बल्लेबाजी की थी वर्ल्ड कप 2023 में। उसके बाद खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव हैं। सूर्य कुमार यादव का बल्ला चल गया तो अकेले दम पे सीरीज को जिता देगा। और उसके बाद दोस्तों द फिनिशर रिंकू सिंह को मौका मिलेगा खेलने के लिए। फिर दोस्तों बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन इस सीरीज में खेलते हुए आपको नजर आएंगे। उसके बाद दोस्तों जीतेश शर्मा को इस स्क्वाड में शामिल किया गया है, और रविंद्र जडेजा की वापसी हो चुकी है टीम इंडिया में, और वाशिंगटन सुंदर भी खेलेंगे इस T20 सीरीज को। और वहीं अगले खिलाड़ी हैं रवि बिश्नोई, तो कुलदीप यादव भी आपको खेलते नजर आएंगे 3 मैचों की T20 सीरीज सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में। उसके बाद दोस्तों अर्शदीप सिंह हैं, मोहम्मद सिराज हैं, मुकेश कुमार हैं, और अंत में दीपक चाहर। तो गाइस आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इन 17 में से आपके हिसाब से बेस्ट प्लेइंग 11 क्या होगी, कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें।